मेकअप में चार चांद लगाने वाला स्टेप। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 14 में आप सबका बहुत वेलकम। इसकी क्लास में हम जानेंगे कि हाइलाइटर्स के कितने टाइप है, स्ट्रोबिंग क्या होती है, कौन सा हाइलाइटर हमारे स्किन टोन पे सूट करेगा, स्किन टाइप पे सूट करेगा, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप कभी भी कोई भी चीज गलत से इस्तेमाल ना करो, क्योंकि यही स्टेप है जो आपके मेकअप में चार चांद लगा भी सकता है और अंधेरा भी ला सकता है। सो हाइलाइटर्स क्या होते हैं और हाइलाइटर्स को किस तरह से यूज किया जाता है, क्या टाइप्स हैं हाइलाइटर्स की और मार्केट में कितने आपको मिलते हैं और आप कौन सा यूज कर सकते हैं, तो जो मेनली हम लोग यूज करते हैं ना, वो होता है पाउडर हाइलाइटर। ठीक है, पाउडर हाइलाइटर सबसे यूज़ किया जाने वाला है और सबसे इजी। वो स्टिक, लिक्विड और क्रीम हाइलाइटर आते हैं। बेसिकली क्रीम हाइलाइटर ही होता है, लिक्विड और दूसरा ये स्टिक भी। तो दो तरह के हाइलाइटर होते हैं टोटली, एक पाउडर दूसरा क्रीम। दूसरी बात कि आप अपना जीमेल आईडी अभी मत भेजें, जब कोर्स ख़त्म हो जाए तब भेजिएगा। कोर्स का जब लास्ट क्लास होगा मैं उसमें बता दूंगी कि आज लास्ट क्लास है, अपना जीमेल आईडी भेजो, तो उसमें आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज देना। अभी मत भेजो क्योंकि अभी इतने मैसेजेस होते हैं कि वो ईमेल आईडी मिस हो जाएगा, तो जब मुझे उस वक्त आ रहे होंगे ईमेल आईडी तो तब हम सर्टिफिकेट सेंड करते जाएंगे सबके। सो बैक टू द टॉपिक, पाउडर हाइलाइटर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक प्रेस्ड, ठीक है, जो हम प्रेस करते हैं या ब्रश के साथ लगाते हैं, जो हमें ज़्यादातर मिलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा होता है लूज़ फॉर्म में। अब ये लूज़ फॉर्म में जो हाइलाइटर होता है वो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल उसका कोई इतना खास फैशन नहीं है, लेकिन आज भी आप उसको यूज़ में ला सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये जो पाउडर हाइलाइटर्स होते हैं ना, ये ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, यानी आपका जो भी स्किन टाइप है यू कैन यूज़ देम। जो स्टिक हाइलाइटर्स होते हैं वो ड्राई स्किन पे ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, लेकिन सारे स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल देती हूँ बहनों, इस चीज़ के झंझट में मत पड़ना, ये इस पे उस पर, ये जस्ट मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लिक्विड हाइलाइटर ऑयली और ड्राई दोनों पर यूज़ की जा सकती है, बाकी कॉम्बिनेशन नॉर्मल पर यूज़ की जा सकती है। फिर बात है क्रीम की, तो क्रीम हाइलाइटर जो होते हैं ना, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बताया हुआ है बनाना, तो आप वो देख लीजिएगा वीडियो, आपको अलग से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्राई स्किन पर बहुत सूटेबल रहेगा क्योंकि उनके फेस पे काफ़ी ड्राइनेस होती है। जो लूज हाइलाइटर होता है वो इस तरह से आता है, इस पैकेजिंग में आता है। ये ना अक्सर सैलोन्स में यूज़ किया जाता है, पूरे मुंह पे जब हम हाइलाइटर लगाते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फाइन नहीं होते, चंकी सा होता है और अजीब 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 चमकता है चेहरा। यानी मैं इसको प्रेफर नहीं करती, अगर कोई पसंद करता है ऐसा हाइलाइटर तो आप जा सकते हो उसके साथ, लेकिन आजकल का ट्रेंड नहीं है। हाँ, लेकिन जो आपका कॉलर बोन होता है उसको हाईलाइट करने के लिए, जैसे मॉडल मेकअप में कॉलर बोन को हाईलाइट करते हैं, तो वो इस तरह का पाउडर हाइलाइटर यूज़ करते हैं। या फिर आप नेक को ओपन करना चाहते हो, हाईलाइट चाहते हो आपका नेक चमके, तो फिर आप इस तरह का लूज वाला जो है हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। बाकी फेस पे इस तरह का लूज पाउडर यूज़ करना इज़ नॉट गुड आइडिया। अब भी आप हाइलाइटर बाय करिए तो देखिए कि उसका जो पार्टिकल है, यानी वो पतला है या फिर मोटा सा अजीब चंकी चंकी नज़र आता है। अगर इस तरह का हाइलाइटर होगा ना तो कभी भी सेटल ग्लो नहीं आएगा आपके फेस पे, जैसे आप देखते हो टीवी पे या मॉडल मेकअप में बहुत एक प्यारा सा शाइन होता है ना, वो नहीं आएगा अगर इस तरह का होगा टेक्सचर आपके हाइलाइटर का। तो हाइलाइटर का दूसरा फॉर्म ये है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सैलोन्स में, घर पर, मॉडल मेकअप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पाउडर हाइलाइटर। और अगर आपके हाइलाइटर का टेक्सचर इस तरह का है, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल पतला, हाथ लगाने में कोई चंक, कुछ चमकीली अजीब सी चीज़ नज़र ना आए, देन ये हाइलाइटर आपको वो ग्लो दे सकता है जो आप सैलोन्स में देखते हो। एक दूसरी बात, हम लोग ना बड़े इंस्पायर होते हैं यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, वहाँ पे हम मेकअप देखते हैं और लगता है शायद हम अच्छा मेकअप नहीं कर रहे हैं या हमें आता ही नहीं है मेकअप करना, इनका तो इतना सेटल ग्लोई और बिल्कुल ब्लर इनका सारा फेस लगता है, कोई टेक्स्चर नहीं होता इनके फेस में, हमारे हम तो मेकअप करते हैं टेक्स्चर आता है, इसे कैसे होता है, मतलब ये क्या करते हैं कि इतना अच्छा मेकअप होता है। तो मेरी जान, हज़ार लाइट्स लगी हुई होती हैं, दूसरा आईफोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो, और उसके ऊपर फिल्टर्स, रिंग लाइट, पता नहीं क्या क्या, तो इस चीज़ से धोखा मत खाइए, मेकअप में आपके फेस का टेक्सचर दिखता है, कभी भी ब्लर नहीं होता पूरा। उसके बाद फिर बारी इस तरह के इंटरफेरेंस जो शेड्स होते हैं,
ये ज़्यादातर आईब्रो बोन पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन आप इनको भी एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही आपको सटल सी शाइन देंगे। आज के जो नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम आईडी एक्सप्लोर विथ हिरा पे मिल जाएंगे। वहाँ मैंने 1 क्लास से लेके 13 क्लास तक सारे अपलोड किए हुए हैं नोट्स, तो आप वहाँ से जाके इजीली ले लीजिए। बात करते हैं ब्रशेस की जो हाईलाइटर के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वैसे तो मैं कहती हूँ फिंगर्स बहुत ही मस्त हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा ब्रश कोई नहीं हो सकता नेचुरल, वरना इस तरह के ब्रशेज़ जो है वो ज़्यादातर सैलॉन्स में यूज़ किए जाते हैं हाईलाइटर लगाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपको जो उंगलियाँ हैं ना इसी को इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा अच्छा आपका इफेक्ट देंगे फेस पे। हाईलाइटर्स पर मैंने इतने हैक्स वाली वीडियोस बना के रखी हैं, वो देख लीजिए। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता आपका हाईलाइटर, तो सेटिंग स्प्रे या फिक्सर अपने ब्रश पे जो है स्प्रे करके फिर हाईलाइटर लगाएं तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब बात करते हैं कौन सा शेड आपके फेस पर सूट करेगा हाईलाइटर का, क्योंकि इस चीज़ पे हम गलती करते हैं। अब आप बोलोगे इसमें भी शेड्स होते हैं, कुछ तो ऐसा हो मेकअप में जिसमें हम मर्जी से कुछ लगा सकें। अगर आप हाईलाइटर का शेड अपने फेस के हिसाब से लगा लेंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई ऊपर से चीज़ लगाई हुई है। ऐसा लगेगा कि आपका नेचुरल फेस इस तरह से ग्लो कर रहा है। कभी भी आपको मना नहीं करूंगी आपका फेवरेट कलर लगाने से, लेकिन मैं आपको हमेशा यही कहूंगी कि अपने फेवरेट कलर को किसी और कलर में मिक्स करके लगा लो, ताकि वो बहुत खूबसूरत और नेचुरल लगे। लाइक ये जो शेड्स हैं ये बहुत नेचुरल लगते हैं फेस पे, लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं सिल्वर उठा के लगा लेते हैं फेस पे, बिल्कुल सिल्वर, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद फेस ग्रे लगने लग जाता है। मैंने कुछ शेड्स बनाए हैं स्किन टोन के अकॉर्डिंग, जैसे मीडियम फेयर और डस्की डार्क या डीप स्किन टोन होते हैं। अगर आपका मीडियम है तो आप शैम्पेन लगाएं, आप लाइट पिंक, डल गोल्ड स्किन टोन ये वाले कलर यूज़ कर सकते हो हाईलाइटर के। फेयर है तो सिल्वर भी लगा सकते हो, वाइट गोल्ड पिंक भी लगा सकते हो, और डस्की डार्क डीप है तो गोल्ड लगाओ। ब्राउनजर शेप जो होता है, ब्राउनजी शेड होता है, ब्राउनिश टाइप का आपने देखा होगा कभी हाईलाइटर, और या स्किन टोन बिल्कुल एक डल गोल्ड होता है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। ब्राउनजी वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से वो दिखता है, अगर हम डीप डार्क स्किन टोन पे लगाएंगे ना तो काफ़ी सूटेबल रहेगा। अगर आप कहते हो मेरा सैलून है मैं इतने हाईलाइटर बाय नहीं कर सकती, तो मेरी जान आप 3-4 शेड ही रखें अपने पास, या 2 ही शेड रखें, उसके बाद जो आपके पास आई शेडो पैलेट है ना उसके अंदर जितने भी मेटालिक शेड्स हैं ना वो आपके हाईलाइटर ही हैं, तो आप उसको एज हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी ये वाला ही हैक ट्राई करते हैं ना, अपने आई शेडो पैलेट से मेटालिक शेड को एज अ हाईलाइटर लगा लेते हैं, और इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत ही चेहरा ग्लो करता है। हाईलाइटर्स पर ना बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं हैक्स पर, तो आप अपने मर्जी का कलर बना सकते हो आराम से। अब बात करते हैं लिक्विड हाईलाइटर्स की, ये लिक्विड हाईलाइटर्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। लिक्विड हाईलाइटर कोई भी स्किन वाला यूज़ कर सकता है, लेकिन बेहतर है कि ड्राई ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ करें, ठीक है। ये ना इस तरह की फॉर्म में होता है और बहुत ही नेचुरल लगता है फेस पे, और इसको यूज़ करने का तरीका भी है, 3-4 तरीके हैं इसको यूज़ करने के, वो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे। अक्सर क्या होता है कि ये फेस पे पैची हो जाता है, एक पैच बना देता है, वो इस वजह से पैच बनाता है क्योंकि हम इसको अप्लाई गलत करते हैं। अगर हम बिल्कुल थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लें और जल्दी से ब्लेंड कर दें तो कभी भी पैची नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं इतनी ढेर सारी उसकी क्वांटिटी लेते हैं और फिर इस तरह से ब्लेंड करने बैठते हैं, तो फेस का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, फेस का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, तो इस तरह से पैच छोड़ जाता है ना, ये फिर ब्लेंड होता है ना फिर ये हटता है जब तक हम पूरा मेकअप ना हटाएं या फिर उसके ऊपर कोई पाउडर्स, और फिर वो अजीब हो जाता है काम। तो कभी भी ऐसे नहीं करना, आपने हमेशा थोड़ा सा पी साइज इसका लेना है, अपने हाई पॉइंट्स पे आपने इसको लगाना है। ये इल्यूमिनेटर है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर और हाईलाइटर में यही फ़र्क होता है कि हाईलाइटर कैन बी बिल्ड, मतलब हम उसको लगाएंगे थोड़ा सा तो हम दूसरा भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसको इतना ज़्यादा लगा लेंगे ना तो एकदम तबाही मचा देगा। इल्यूमिनेटर बिल्कुल बल्ब की तरह आपका जो है चेहरा रोशन कर देता है, जहाँ पर आप लगाओगे वहाँ पर यह बहुत पिगमेंट देता है, तो इसलिए इसको बहुत थोड़ा यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर मीन आपके फेस को बहुत ज़्यादा चमकीला बनाने वाला, ठीक है, एक आसान ज़बान में बता रही हूँ। को यूज़ करने के तरीके हैं डिफरेंट, आप इनको बेस में मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, अगर आपसे हैंडल नहीं होते बेस में मिक्स करके यूज़ करो, या बेस अप्लाई करने से पहले अपने हाई पॉइंट्स पे, वो मैं आगे चल के स्ट्रोबिंग का तरीका आपको बताऊंगी, लगा लें। वो जो ब्रॉन्जी शेड मैं बता रही थी ना आपको, वो ये वाले शेड्स हैं, आप ये वाले शेड डस्की डीप मीडियम स्किन टोन पे अगर हाईलाइटर्स के यूज़ करोगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगे, ठीक है। वैसे कोई कलर की कैद नहीं है कि आपने ये वाला ही हाईलाइटर का लगाना है, लेकिन बहुत एक चिकता हुआ सिल्वर ना लगा लिया करें, सिल्वर को गोल्ड के साथ
मिक्स करके, पिंक के साथ मिक्स करके लगाएं, तो फिर आप देखिएगा आपके मेकअप में वाजिया फर्क आएगा। करते हैं व्हाट इज स्ट्रोबिंग। स्ट्रोबिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम ग्लो, ठीक है। ये टर्म जो है इसलिए इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर मैंने इसकी मीनिंग भी लगा ली है कि आप अपने फीचर्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करो, ठीक है। इतना ज़्यादा वो हाइलाइटर वगैरह लगाते हैं कि फेस बहुत ज़्यादा बल्ब की तरह ग्लो करता है और फीचर्स जो है आपके फेस के इतने इन्हेंस्ड लगते हैं विदाउट कॉन्टोरिंग। अभी ये आप सुन के ना बिल्कुल वो मत हो जाएगा कि अच्छा हमने कॉन्टोरिंग नहीं करना, सिर्फ हाइलाइटिंग करना है, तो नहीं, ये जस्ट एक टर्म है। आप कॉन्टोरिंग वॉन्टोरिंग अपना बिल्कुल वैसे ही करो जैसे करते हो, लेकिन अगर आप इस तरह से स्ट्रोबिंग या हाइलाइटिंग फेस की करोगे ना, तो आपके फीचर मज़ीद इन्हेंस, मज़ीद पॉपअप लगेंगे और आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने अपने फीचर्स को हाईलाइट करना होता है, यानी हम वरना हाइलाइटर क्या लगाते हैं, चीक बोन के ऊपर लगा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिन पे लगा लेते हैं, हल्का पुल्का सा नोज पे लगा लेते हैं, इस तरह से ही करते ना, लेकिन आपने इस तरह से हाईलाइटर लगाना है। अब ये क्रीम हाईलाइटर भी हो सकता है, अब ये पाउडर हाईलाइटर भी हो सकता है, ठीक है। अब दो तरीके हैं कि आप जो है वो बेस लगाने से पहले हाइलाइटर लगा लें, क्रीम वाला या लिक्विड वाला, ठीक है, इन इन जगहों पर, देन उसके ऊपर बेस लगा लें, या फिर अपनी बेस वगैरह करने के बाद आप अपने फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं उनको इस तरह से हाईलाइट कर दें। ज़्यादातर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, या क्रीम हाईलाइटर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर इनकेस आपके पास नहीं है और आपको हैंडल नहीं करना आता लिक्विड हाईलाइटर वगैरह, तो आप सिंपली अपना पाउडर हाईलाइटर भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखा होगा मार्केट में स्ट्रोबिंग क्रीम्स मिलती हैं, तो वो इसीलिए यूज़ की जाती हैं ताकि वो बेस से पहले हम क्रीम लगाएं एंड देन उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएं तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ठीक है ना। वरना पाउडर जो होता है थोड़ा सा फेक फेक लगता है, जबकि जो क्रीम हाईलाइटर या लिक्विड हाईलाइटर होता है वो बड़ा नेचुरल और अच्छा लगता है। तो सपोज़ करें एक चेहरा आपके पास आया, आप इसका किस तरह से स्ट्रोबिंग करेंगे, तो सबसे पहले आप उसके हाई पॉइंट्स चीक बोन के ऊपर जो होता है, चीक बोन के ऊपर ये जो हड्डी जा रही होती है यहाँ पे आपने लगाना है, नोज़ के ब्रिज पे आपने हाईलाइटर लगाना है, अपने चिन पे लगाना है, अपने अपर लिप पे लगाना है, ठीक है, और अपने आईब्रो बोन पे आपने हाईलाइटर लगाना है। अब ये दो तरीके हैं, आप बेस लगाने से पहले भी लिक्विड हाईलाइटर या क्रीम हाईलाइटर लगा सकते हैं और आप बेस लगाने के बाद भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दे रही हूँ कि किस तरह से आपने हाईलाइटर लगाना है, ठीक है। मैं बेसिकली ज़्यादा हाईलाइटर वगैरह लगा नहीं रही थी, जस्ट आपको बता रही थी कि आपने कहाँ कहाँ पे हाईलाइटर लगाना होता है। आपने यहाँ पे हाईलाइटर लगाना होता है, फेस के हाई पॉइंट्स होते हैं ये जो हड्डी जा रही होती है, इसको हम चीक बोन कहते हैं, यहाँ पर हमने हाईलाइटर लगाना होता है बेसिकली, ताकि हमारे फेस जो है वो मज़ीद ग्लो करे और अच्छा लगे, ठीक है। वरना ज़्यादातर क्या होता है, गर्ल्स जो है वो चीक पे भी लगा लेती हैं हाईलाइटर, और मतलब पूरे फेस पे लग जाता है। जब हम चीक्स पे लगाते हैं ना हाईलाइटर, तो हमारा पूरा फेस जो है ना वो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा सा लगता है। अगर आपने फेस को ना मोटा करना चाहते हो, तब आप अपने चीक्स पे हाईलाइटर लगा सकते हो, तो आपका फेस ना काफ़ी भरा भरा लगेगा। क्योंकि कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग में यही फ़र्क होता है कि आपका जो फेस है ना हाईलाइटर से वो बहुत पॉपअप लगता है, बड़ा बड़ा लगता है, जबकि कॉन्टोरिंग से आपका फेस चिजल्ट लगता है और बिल्कुल मतलब पतला और स्लिम लगता है। इसलिए मैं आपको जस्ट एक रफ सा आइडिया दे रही हूँ हाईलाइटर लगाने का, मैं फिंगर्स के साथ ही अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई मेकअप कोई बेस वगैरह नहीं लगाया था। ऑब्वियसली जब आप बेस लगाते हो तो आपका हाईलाइटर का लुक डिफरेंट आता है। यहाँ पे मैं अपने बेयर फेस पे लगा रही थी, कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये डिफरेंट लग रहा है, ठीक है। मेरे पास ये रोज़ गोल्ड कलर है, ये बहुत ही अच्छा कलर है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक रोज़ गोल्ड कलर अपने पास ज़रूर भी रखें हाईलाइटर का। तो कॉन्टोरिंग जो होता है ना आपके फेस के फीचर्स को दबाता है, जबकि हाईलाइटर आपके फेस के फीचर को इन्हेंस करता है, मज़ीद उनको दिखाता है, मज़ीद वाजिया करके। तो कभी भी हाईलाइटर जो है ना वो अपने चीक के ऊपर मत लगाना, हमेशा चीक बोन पर लगाना, क्योंकि इन्हेंस होने वाली जगह चीक बोन होती है ना कि चीक्स होते हैं। हाँ, अगर आपका फेस काफ़ी जो है वो पतला सा है और चाहते हो थोड़ा सा मोटा मोटा सा लगे, तो फिर आप ना अपने चीक्स पे भी हाईलाइटर लगा लो, फिर अच्छा लगेगा। कभी भी इस तरह का चीखता हुआ गोल्डन कलर अपने हाईलाइटर के लिए यूज़ मत करना, या फिर इस तरह का वाइट वाइट शेड मत यूज़ करना। हमेशा दो शेड्स को मिक्स करके आप जब भी यूज़ करेंगे ना हाईलाइटर के लिए, वो बहुत खूबसूरत दिखेंगे। या फिर इस तरह का रोज़ गोल्ड रखो अपने पास, सिल्वर रोज गोल्ड मिक्स करके यूज करो, तो बहुत ही बेहतरीन कलर बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, आप यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी क्लाइंट पे जो सूट करता है वो करो। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक नॉलेज दे रही हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो मजीद बेहतर लग सकता है, ठीक है ना। अगर आपको पसंद है सिल्वर डायरेक्ट लगाना, लगाइए, आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता रही हूँ कि किस तरह से लगाइए, ठीक है। हाईलाइटर के ऊपर मैंने बहुत ढेर सारे वीडियोज बना रखे हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं स्टिक हाईलाइटर या फिर क्रीम
हाइलाइटर की। स्टिक हाइलाइटर आपको स्टिक के फॉर्म में मिलता है, जैसे क्रायलॉन ट्यूब एंड स्टिक होता है, या और क्रीम हाइलाइटर आपको क्रीम के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। वो क्रीमी सा होता है, उसका टेक्सचर काफ़ी जैसे क्रीम का थिक टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है। लिक्विड हाइलाइटर को भी बहुत सारे लोग क्रीम हाइलाइटर बोलते हैं। जो स्टिक हाइलाइटर है ना, उससे स्ट्रोबिंग ज़रा ईजिली हो जाएगी, कि वो स्टिक आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो फेस पे तो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। सो ये जो इल्यूमिनेटर है, ये आप बेस से पहले भी फेस पे लगा सकते हो, जिस तरह से मैंने स्ट्रोबिंग का तरीका बताया, और बेस के बाद भी लगा सकते हो, ठीक है। बेस के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हो, जो लिक्विड डालते हैं ना बेस के अंदर बेस को शाइन देने के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इस तरह आपके पास कम से कम 2 से 3 शेड होने चाहिए हाइलाइटर के, एक स्किन कलर का, एक सिल्वर कलर का, एक रोज़ गोल्ड या फिर गोल्ड कलर का आपके पास होना चाहिए, ताकि आप मिक्स मैच करके यूज़ कर सको अपने हाइलाइटर्स अपने फेस पे। वैसे आपको पाकिस्तानी ब्रांड्स में बहुत अच्छे अच्छे हाइलाइटर्स मिल जाएंगे। काशिश का हाइलाइटर बहुत अच्छा सैलून में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एसटी का, एल्फ का, उसके अलावा ग्लैमरस फेस का, क्रिस्टाइन का, और मेरे पास यहाँ पे 7 कूल के हाइलाइटर हैं, जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको और बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो लिक्विड हाइलाइटर्स हैं, ये भी आपको काफ़ी पाकिस्तानी ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये आइकॉनिक के हैं, जो कि कॉपी है। अगर आप एज अ बिगिनर काम कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पाउडर हाइलाइटर्स पर ही हाथ रखो फिलहाल अपना, और आप लिक्विड हाइलाइटर का एक आधा शेड अपने पास रखो फॉर दी प्रैक्टिस, या अगर सैलून रन कर रहे हो तब भी आप 1-2 शेड रखो अपने पास और बाकी पाउडर हाइलाइटर्स रखो। वरना मैंने आपको एक जुगाड़ बता दिया कि किस तरह से आप अपना शेड बना सकते हो हाइलाइटर का। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, बिल्कुल सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़, मैं अगेन कह रही हूँ कि आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाना चाहिए जब मेरा कोर्स ख़त्म हो, यानी जब ये क्लासेस ख़त्म हो जाएँ तो आपके क्लासेस भी पूरे हों। ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 से 2-3 दिन तक ही मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकती हूँ कि चलिए आप अपना कोर्स पूरा कर लें, अदरवाइज आप हमेशा एक कोर्स देख सकते हो लेकिन फिर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आज का सवाल है कि आपने मेरी वीडियो कहाँ से देखी थी, यूट्यूब से, टिकटॉक से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से? बात, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आती हूँ, वहाँ पे मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ कोर्स से रिलेटेड, और बड़े मज़े मज़े के सवाल करती हूँ जिसमें आप सब मुझे जवाब देते हो। तो आप मेरे इंस्टाग्राम को लाजमी ज्वाइन करें, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।